के मुख्यमंत्री सीएम भूपेंद्र पटेल ने रोड के लिए क्या लिया अहम फैसला, शहरी सड़क मरम्मत के लिए विधायक को कैसे मिलेगी सहाय, क्या सही में सड़क मरम्मत की होगी तत्काल कार्यवाही। गुजरात में शहरी लोगों को उबड़ खाबड़ सड़कों से राहत मिलेगी, इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक अहम फैसला लिया है। शहरी सड़कों की मरम्मत के लिए विधायकों को अलग से 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि राज्य के सड़क एवं भवन विभाग से विधायकों को आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अहम फैसले की घोषणा की है, जिससे शहरी इलाकों में सड़क की मरम्मत तेजी से होगी। वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री ने विधायकों को अलग से अनुदान आवंटित करने का निर्णय लिया है। शहरी विधायकों को शहरी निर्वाचन क्षेत्र में सड़क मरम्मत सड़क विकास कार्य के लिए वर्ष 2023-24 में प्रति विधायक 2 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया जाएगा। ऐसे में शहरी क्षेत्र में उबड़ खाबड़ सड़कों से परेशान लोगों को अब सड़कों की मरम्मत से राहत मिलेगी। सड़कों की क्षेत्र मरम्मत और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की सीधी निगरानी में कराने के लिए यह अनुदान विधायक को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गए प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र पटेल ने ये जन सुविधाजनक निर्णय लिया है। यह निर्णय शहरी क्षेत्र में सड़कों के नेटवर्क को और अधिक व्यवस्थित और मजबूत बनाएगा। राज्य के शहरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक इस अनुदान से अपने क्षेत्र में सड़क मरम्मत और सड़क विकास कार्य करा सकते हैं।